टीएजीसी अमेलिया कोल माइन कंपनी के खिलाफ रहवासी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कंपनी पर आरोप लगाया कि 2017 में नपाई होने के बाद भी अभी तक उनका मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे की मांग करने पर कंपनी के अधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब तक उनका मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक कोयला परिवहन नहीं करने दिया जाएगा। ये धरना प्रदर्शन सिंगरौली के पचौर में हो रहा है, जिसमें पूर्व सरपंच प्रेम सागर गुप्ता सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक हम लोगों के परिसंपत्तियों का 100% भुगतान नहीं किया जाता तब तक हम लोग पचौर में बने कोलियार्ड में कोयला परिवहन नहीं करने देंगे। वहीं प्रदर्शन में पूर्व सरपंच प्रेम सागर गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने 2017 में नापी थी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रभावित को एक रुपए भी नहीं मिला। कंपनी सभी लोगों के साथ नाइंसाफी करती है। जब तक एक एक प्रभावित को पैसा नहीं मिल जाता है तब तक यहां से कोयला परिवहन नहीं होगा। वहीं प्रदर्शनकारी पार्वती बाई ने कहा कि जब तक हमारा मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक कंपनी का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जानकारी मुझे है, के अंतर्गत जो TSDC APMDC जो कंपनियां काम कर रही हैं, जिसमें TSDC का भी काम शुरुआत हुआ है, क्योंकि हमारी जो PDF हैं जो विस्थापित वहां पे हैं, स्थानीय विस्थापित, उनका भुगतान भी हमने कुछ विस्थापितों की समस्या जब आई थी तो हम स्वयं कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने एक अर्जेंट बैठक बुलाई थी। उस बैठक के माध्यम से लोगों की जो आवश्यकता है, जो भुगतान, जो मूल विस्थापित, उनका भुगतान हो चुका है। जहाँ तक जानकारी आप लोगों ने बताया कि भुगतान जो बाहर की जो जिस लाइन से, जिस रोड से रेल लाइन जाएगी या ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ जाएंगी, तो उसमें जो मकान बने विस्थापित हैं, इसकी चिंता कर मैं, मुझे जानकारी मिली तो मैं रास्ते में मैं उनसे मिलने भी गया था। मिलकर हमसे जो जानकारी उपलब्ध हुई, इसकी चिंता हम तत्काल अधिकारी से, जो कंपनी के प्रतिनिधि हैं एक शर्मा जी हैं, मेरी चर्चा हुई थी और उन्होंने कहा था मैं तत्काल इसकी व्यवस्था कराकर मैं खुद स्वयं आता हूँ। साहब आप भी रहिएगा और जो भी उनकी समस्या है उनको समाधान करने की कोशिश मेरी पूरी रहेगी। हुआ फूल सब लोग खा रहे थे, अपना जीवन विस्तरण उसमें कर रहे थे, और आज ये कंपनी बोल रहा है नहीं, आज 10 तारीख को देंगे, 5 तारीख को देंगे, 20 तारीख को देंगे, 25 तारीख को लास्ट वो डेट किए थे कि 25 को फाइनल कर देंगे, 25 मार्च तक। तब तक हम 25 मार्च तक कुछ नहीं किए, देखे उनको कि देखिए हो जाता है नहीं। 25 मार्च के बाद में जो है तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन चालू किए थे लोग, लेकिन ऐसा है कि जब तक मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक इसमें कोयल आर्ट का कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जब भी क्लियर होगा उसी दिन से वो कंपनी को हम मना नहीं कर रहे हैं, कंपनी हमारी नहीं है, कंपनी सरकार के, आज नहीं कल होगा, लेकिन जब तक मेरा मुआवजा नहीं दिया जाएगा, व्यवस्थापित नहीं बनाया जाएगा, तब तक ये काम कोई भी कार्य डीसी का नहीं होगा। कहना चाहते हैं कि TSDC कंपनी के द्वारा 2017 से ये नापी हुई है, इसकी नापी के बाद आज तक जो है किसी को रुपया नहीं मिला और ये कंपनी काफी नाइंसाफी कर रही है। बराबर जिस प्रकार से हमारे समझ से कि आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं ये हर समय अपने मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात सुनते ही नहीं है। मैं तो कहूँगा पूरा BJP गवर्नमेंट जो है ये इस केवल अपने मन की बात करती है। जितने हैं चाहे विधायक जी हों चाहे सांसद जी हों, सबके जगह गुहार लगाई गई है, फिर कोई नहीं सुनता है। लेकिन अब समय आ गया है, इनका कोयला नहीं निकलेगा यहाँ से जब तक पेमेंट नहीं कर देंगे। गरीबों का जो समस्या है, मूलभूत समस्याएं, वो नहीं सॉल्व करेंगे तब तक इनका कोयला नहीं निकलेगा और काम यहाँ का नहीं होगा। अब क्या क्या माने समस्या बीच की है बता रहे हैं। कंपनी पिडरवाह में कोल माइंस के लिए 17-18 में अपना जो है तो सर्वे कराने का काम चालू किया, नापी किया पूरा। उसमें हमारा पचौर भी है, पचौर में हमारे कोल यार्ड के लिए कंपनी ने जमीन लिया और विस्थापन 2000 लोगों को कर रहा है पचौर गाँव में। कुल मिला के पचौर वालों को न तो रोजगार, ये छोटे छोटे अपना मकान जंगल में बनाए थे महुआ पत्ती तोड़ने के लिए, आज तक कंपनी ने उनका जो है तो आश्वासन पर आश्वासन, अरे हमारा मकान बसाहट में है ना, आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख, शासन प्रशासन के माध्यम से कंपनी, सरकारी कंपनी बता के और पूरे हमारे इस क्षेत्र को चूना लगाने का काम कर रही है। तो हम लोग कंपनी से भरोसा, हम लोग का शासन प्रशासन से टूट गया है, इसलिए हम लोग अब कागजी
कानूनी कार्यवाही के तहत आमरण अनशन बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रति माह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।